खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हुए 2 हफ्ते हो चुके हैं। 2 हफ्ते से सड़क पर चालान को लेकर अलग अलग रंग दिख रहे हैं। कहीं जुर्माने की बढ़ी रकम को लेकर गुस्सा है, कहीं लोग बढ़ चढ़कर इसका समर्थन करते भी नजर आए। कुछ ऐसी भी तस्वीरें सामने आई जहां लोग नियम तोड़ने वालों को सबक सिखाने पर आमादा हैं। जब जुर्माना बढ़ा तो लोग हैरान हुए, जब चालान कटा तो परेशान, लेकिन जब कानून के रखवाले ही नियमों का उल्लंघन करते दिखे तो लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। ये तस्वीरें बिहार के मुजफ्फरपुर की हैं। यहाँ के जिला परिवहन विभाग के मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। आरोप है कि ट्रैफिक नियमों का पालन करवाने में जुटे ये अधिकारी खुद नियमों की अनदेखी कर रहे थे। इसके बाद तो लोगों ने बवाल करना शुरू कर दिया। अब ये तस्वीरें देखिए, भोपाल में ट्रैफिक नियमों की जमकर अनदेखी हो रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने नया मोटर व्हीकल एक्ट राज्य में लागू करने से इनकार कर दिया है। अब जनता को मालूम है कि वो पकड़े भी गए तो जुर्माने की मामूली रकम देकर छूट जाएंगे। भोपाल में रेड लाइट जंप करना, बिना हेलमेट बाइक चलाना और 2 पहिया पर ट्रिपलिंग की तस्वीरें अब भी आ गई। पता है, मगर वो मेरा रिक्शा है ना। पता है, अभी कहीं अर्जेंट जाना है तो जा रहा हूँ ना मैं। अगर चालान होगा तो फिर किसका रिस्क होगा? हाँ, वो भी मेरा रिस्क है। कुछ कैजुअलिटी होती है तो वो भी मेरा रिस्क है ना। नहीं, वो क्या लाइट खुली थी, मैं इसलिए एकदम आ गया था, फिर रुक गया इसलिए। मैं हेलमेट है, हेलमेट रखा है मेरे पास। उपयोग नहीं करते क्या हेलमेट? नहीं, क्यों नहीं करते, करते हैं उपयोग तो। अब लेकिन अभी पानी गिर रहा था तो इसलिए ये लगा रखा था मैंने ऊपर से। जी वो इमरजेंसी, हमें SBI बैंक बुलाया गया, इसलिए जा रहे हैं हम कुछ कारण से। हेलमेट तो पहन लेते हैं आप। हेलमेट वो पानी के कारण नहीं पहन पाए जल्दी। मुजफ्फरपुर और भोपाल की इन 2 तस्वीरों में चालान का असर साफ दिख रहा है। जहां चालान कटने का असर है, वहां लोग खुद भी नियमों का पालन कर रहे हैं और दूसरों पर भी दबाव बना रहे हैं। लेकिन जहां चालान की दरें नहीं बढ़ी है, वहां अब भी जानलेवा लापरवाही जारी है। ये ढोल की आवाज उन लोगों को जगाने के लिए है जो अब भी अपनी जान से खिलवाड़ कर रहे हैं, जो नियमों को ताक पर रखकर सड़क पर निकल रहे हैं, और वो अपने लिए और दूसरों के लिए खतरा बने हुए हैं। जम्मू में ट्रैफिक पुलिस अभी लोगों को जागरूक करने की मुहिम में जुटी है, लेकिन सोमवार से यहाँ भी नियम सख्ती से लागू किए जाएंगे। इस काम में NCC कैडेट्स ट्रैफिक पुलिस की मदद कर रहे हैं। तो ये इसके पीछे मकसद यही है कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करें इस कानून के बारे में, और जब हम इसको लागू करें तो लोगों के अंदर कोई शक नहीं रहना चाहिए दिमाग में। ये तस्वीरें हरियाणा के रोहतक की हैं, जहां पुलिस ने फूल देकर लोगों को जागरूक किया और नए नियमों के बारे में समझाया। रोहतक के लोग इस बात के लिए शुक्र मना सकते हैं कि नियम तोड़ने के बावजूद उनका चालान नहीं काटा गया, लेकिन अब किसी गलती के एवज में उन्हें भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हुए करीब 2 हफ्ते हो गए, लेकिन अब भी लोग गलती करने से बाज नहीं आ रहे। लोग नियमों का पालन करने के बजाय चालान में बड़ी दरों में छूट चाहते हैं, लेकिन चालान में छूट चाहने वालों से सवाल है, क्या आप गलती करते रहने की छूट चाहते हैं? क्या आप नियम तोड़ने की आदत से लाचार हैं? क्या आप नहीं चाहते कि आपका सफर सुरक्षित हो? क्या सिर्फ समझाने से लोग नियमों का पालन करने लगेंगे? इन सवालों के जवाब इन तस्वीरों में दिख जाएगा। चालान की बड़ी दरों के बारे में सबको पता है, लेकिन सिस्टम से खिलवाड़ करते रहने के आदि लोग अपना रास्ता बदलने को तैयार नहीं। देश के कुछ राज्यों में नया मोटर व्हीकल एक्ट पूरी तरीके से लागू नहीं हुआ है, बल्कि वहां जुर्माने की रकम को कम कर दिया गया। कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां लोगों को ट्रैफिक नियमों के बारे में जागरूक करने की कोशिश हो रही है।
देश के अलग अलग शहरों में लाखों का चालान कटने का सिलसिला जारी है। नागालैंड के एक ट्रक पर नियमों का उल्लंघन करने के लिए 6,53,100 रुपए का जुर्माना लगाया गया। दिल्ली में हरियाणा नंबर वाले एक ट्रक ने नियम तोड़ने का रिकॉर्ड बना दिया। इस ट्रक को 2,500 रुपए का चालान काटा गया। ट्रक ड्राइवर के पास ना तो ड्राइविंग लाइसेंस था, ना ही उसने सीट बेल्ट लगाई थी। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी नहीं था। फिटनेस सर्टिफिकेट और पीयूसी सर्टिफिकेट भी मौजूद नहीं था। राजस्थान के बीकानेर से दिल्ली आए इस ट्रक में बिल्डिंग मटेरियल भरा हुआ था। जब जांच हुई तो पता चला ये ट्रक अपनी क्षमता से ज्यादा सामान लादकर देश की राजधानी में घूम रहा था। 18 पहिए वाला ट्रक फिटनेस के पैमाने पर भी फेल हो गया। इस ट्रक का 1,41,700 रुपए का चालान काटा गया। ये दिल्ली में अब तक का सबसे महंगा चालान है। बोल रहे कि ओवरलोड का है, उसमें फैन लगा लो कि ये 1,40,700 रुपए दिया। उस टाइम एक बार मेरे पास फिटनेस नहीं थी, वो भी लेके आ गए घर से। अब जरा सोचिए, नियमों को ताक पर रखकर सड़क पर दौड़ने वाला ये ट्रक किसके लिए खतरा है? आपके लिए। ये ट्रक ओवरलोड होने की वजह से अगर सड़क पर अनियंत्रित हो जाता तो क्या अंजाम होता, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। इसके बावजूद कुछ लोग चालान की बड़ी दरों का विरोध कर रहे हैं। दबाव में कई राज्य सरकारों ने भी अपने यहाँ नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू करने से इनकार कर दिया है। कुछ राज्य चालान की दरों को कम करके जुर्माना लगाना शुरू कर चुके हैं। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के मुताबिक जुर्माना कम करके राज्य सरकारें गलत नजीर पेश कर रही हैं। कि मैं आपको कानून की बात बताता हूं। अभी जनरल पेनल्टी फर्स्ट ऑफेंस फाइन अप टू 100 रुपीज प्रीवियस कानून में था और सेकंड ऑफेंस फाइन अप टू 300 रुपीज था प्रीवियसली। अब मुझे बताइए फर्स्ट ऑफेंस फाइन अप टू 500 रुपए और सेकंड ऑफेंस फाइन अप टू 1500 रुपए। ये साधारण देखिए आप, ये 5 गुना बढ़ा। अब मैं मानता हूँ 30 साल पहले 100 रुपए की कीमत कितनी थी और आज कितनी है। अच्छा, ये इतनी कम होने के कारण कानून के प्रति डर भी नहीं और सम्मान भी नहीं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की 2018 में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक सड़क हादसों में होने वाली मौत के मामले में भारत दुनिया के कई देशों के मुकाबले बहुत आगे है। 2017 के आंकड़ों के मुताबिक भारत में हर रोज करीब 405 लोगों की मौत सड़क हादसों में होती है, यानी हर घंटे तकरीबन 16 लोग सड़क हादसे में अपनी जान गंवा देते हैं। इन सड़क हादसों से सिर्फ उसके परिवार को नुकसान नहीं होता, बल्कि हादसों की वजह से हर साल देश की जीडीपी को 3% का नुकसान होता है। ये नुकसान 4,15,000 करोड़ रुपए के बराबर है। देश को होने वाले इस नुकसान का असर हर नागरिक पर पड़ता है। देश में 5 लाख एक्सीडेंट हो रहे हैं, 1.5 लाख लोग मर रहे हैं, 2 से 2.5 लाख 3 लाख लोगों के हाथ पैर टूट रहे हैं और देश का 2% जीडीपी का नुकसान हो रहा है। और अगर ये मुझे बताइए, ये कोई रेवेन्यू कमाने का कारण नहीं है, काम नहीं है, ये लोगों की जान बचाने का है। नए नियम लागू होने का असर सड़क पर दिख भी रहा है। दिल्ली में पिछले महीने के मुकाबले ट्रैफिक चालान कम कट रहे हैं, यानी लोग चालान के डर से नियमों का पालन करने लगे हैं। अगस्त 2019 में हर रोज औसतन 16,788 चालान कटे, लेकिन सितंबर में हर रोज 4,813 चालान ही कट रहे हैं। नए नियम लागू होने के बाद चालान की संख्या में 400% की कमी आई। हालांकि अभी ट्रैफिक रूल्स की पूरी जानकारी ना होने की वजह से लोग चालान भर रहे हैं। ऐसा ही एक नियम है, कार में पीछे की सीट पर बैठे लोगों को भी सीट बेल्ट लगाना जरूरी है। अगर आप भी इस नियम से अनजान हैं, तो जरा ध्यान से देखिए। गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा शख्स सीट बेल्ट ना लगाया हो तो चालान कट सकता है। ये नियम सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 2004 के तहत लागू किया गया है। 2005 से नियम उन सभी गाड़ियों पर लागू है जिनमें पिछली सीट पर बेल्ट लगाने की व्यवस्था है। डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए पूरे गाड़ी में, उसके बाद सीट बेल्ट लगी होनी चाहिए आगे, पीछे का ऐसा कुछ नहीं बताया हुआ है। वी विल टेक केयर देम। पिछली सीट पर अगर सीट बेल्ट मौजूद हो, रियर पे सीट बेल्ट ना लगाया जाए तो उसका भी जो है चालान कट सकता है। इसका चालान के बारे में तो मुझे कोई जानकारी नहीं। लगाना कंपलसरी है, पता था। पता है कितने का चालान है? अब कस्टमर पहनते नहीं है, क्या करें जी? हम तो कस्टमर पहनते नहीं, अब पीछे क्या करें? चालान तो आपका कटेगा। अब इनसे बोलते हैं, आप पहने तो तब तो। कितने का चालान है पीछे की सीट बेल्ट का? अभी तो इसका हमें पता नहीं है, पर ये है कि चालान है इसका। हाँ, पता तो था, फिर भी आपने नहीं लगाई हुई। सॉरी। अच्छा, आपको पता है कितने का चालान है पीछे सीट बेल्ट ना लगाने पर, पीछे बैठने पर? ये पता नहीं। उतना ही चालान है जितना आगे। ओके ओके ओके। आपको नहीं पता? नहीं।
लेकिन अब पता लग गया। कितने का चालान है कुछ आइडिया? नहीं, आई डोंट नो, नो अवेयरनेस अबाउट दैट थिंग। लेकिन पीछे सीट बेल्ट लगाना कंपलसरी होता है फॉरेन कंट्रीज में तो देखे हैं कि वहाँ पर ज़रूरी होता ही है, लेकिन यहाँ पर इतना हम लोगों ने कभी देखा नहीं है कि कभी कोई लगाता हो या फिर पुलिस ने भी एम्फसाइज किया हो। चालान की दरों में इजाफे के बाद एक बड़ा असर यह हुआ कि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ज्यादा करने लगे। दिल्ली मेट्रो के सूत्रों से मिले आंकड़ों के मुताबिक सितंबर के पहले हफ्ते में करीब 10 लाख ज्यादा लोगों ने मेट्रो से सफर किया, यानी आम लोग चालान से डरने लगे हैं, लेकिन कुछ वर्दी वाले अब भी मनमानी कर रहे हैं। सड़क पर गाड़ी चलाने वालों में कुछ ऐसे हैं जिन्हें नियमों की जानकारी नहीं है, कुछ ऐसे हैं जिन्हें ट्रैफिक रूल्स तो पता है लेकिन उसका पालन नहीं करते। इसके अलावा ऐसे भी हैं जिन पर कानून का पालन करवाने की जिम्मेदारी है लेकिन खुद नियमों को खुलेआम ठेंगा दिखाते रहते हैं। एबीपी न्यूज ने देश की राजधानी में जब वर्दी वालों की पड़ताल करनी शुरू की तो कैमरे में दर्ज तस्वीरों ने इनकी भी पोल खोल दी। दिल्ली के रानीबाग इलाके में घूमती पीसीआर वैन में दो वर्दी वाले बिना सीट बेल्ट के गाड़ी में सवार थे। हमने कुछ देर तक गाड़ी का पीछा किया और जब इस बारे में पुलिस कर्मियों से सवाल किया तो अपनी मजबूरियां गिनाने लगे। भाई है तो सबके, लेकिन अचानक इग्नियस कॉल आ गई, फोन आया, एकदम गए। स्नेचिंग की कॉल थी इसलिए हमें जल्दी भागना पड़ा। तो आप वहाँ गए थे? हाँ। वहाँ के बाद जब से मैं आप उधर से आ रहे हैं लगातार, लेकिन बेल्ट नहीं लगाई हुई थी आपने, जितना भी मैं आपको फॉलो करते आया हूँ पीछे से। तो जो है ना, हमने जल्दी आना था इसलिए, ना तो हम जो फॉलो करते हैं बिल्कुल। हाँ। मैं समझ गया, लेकिन अभी जहाँ से आप आए कॉल पे मैं देख रहा था, वहाँ खड़े हुए थे कॉल पे थे, लेकिन इन बिटवीन आपने बेल्ट नहीं लगा रखी थी उन्होंने, क्योंकि हमने बार बार उतरना पड़ता ना। मैं समझ गया, लेकिन जरूरी है कि नहीं है? जरूरी सबके लिए, जैसे पब्लिक के लिए ऐसे हमारे लिए जरूरी है। दिल्ली पुलिस की गाड़ी चला रहे इस ड्राइवर ने तो हद ही पार कर दी, सीट बेल्ट तो लगाई नहीं थी, साथ ही फोन पर बात कर रहे थे। भाई साहब ना बेल्ट लगा रखी है, ऊपर से फोन पर बात कर रहे हो, पुलिस की गाड़ी चला रहे हो, सॉरी सर, जरूरी है कि नहीं है? नहीं, एक मिनट सर, जरूरी है जनाब, जरूरी है ना? हाँ, लेकिन आप फॉलो नहीं कर रहे रूल, पब्लिक को आप कहते हो रूल फॉलो करने के लिए, खुद से रूल फॉलो नहीं कर रहे हो। कर रहा हूँ, गलती हुई आपसे? हाँ गलती हुई। दिल्ली में घूमते हुए हमें पुलिस की कई ऐसी गाड़ियां मिली जिसमें बैठे पुलिस कर्मियों ने बेल्ट नहीं लगाई थी। जब उनकी गलती कैमरे में दर्ज हो गई तो एक से बढ़कर एक बहाने बनाने लगे। बेल्ट लगाना आपको नहीं लग रहा जरूरी है भाई साहब? नहीं सर, ये लगा दी, आपने भी लगा रखी, दोनों ने लगा रखी, आपको पता है ना कितना बड़ा चालान है? नहीं सर, लगा दी, कोई नहीं दिया, थोड़ा यही घूम रहे थे। इस पड़ताल के दौरान कुछ ऐसी पीसीआर वैन भी मिली जिसमें सीट बेल्ट का हुक फंसाने के लिए लॉक ही नहीं था। बेल्ट लगाने का सिस्टम ही नहीं है सर इसमें, तो आपने बात अपने अधिकारियों को बताई? हाँ, बता दिया। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में कानून के रखवाले कानून की धज्जियां उड़ाते दिखे। किसी ने हेलमेट नहीं पहना था तो किसी को रॉन्ग साइड से जाने में गुरेज नहीं था। कुछ ऐसा ही हाल पटना का है। पटना में नगर निगम की 800 गाड़ियां बिना रजिस्ट्रेशन के सड़कों पर दौड़ रही थी, कुछ गाड़ियों पर तो नंबर प्लेट तक नहीं थी। सीट बेल्ट भी नहीं लगाया है आपने? सीट बेल्ट सर इस गाड़ी का बिगड़ चुका है। ये गाड़ी में नंबर प्लेट नहीं है? नंबर प्लेट नहीं है तो हम नहीं जान सकते मैडम, हमको नहीं पता कुछ। गाड़ी में सीट बेल्ट? ठीक है ठीक है। पुलिस कर्मियों से लेकर सरकारी विभागों की तमाम लापरवाहियों को देखने के बाद आम लोगों के मन में बड़े चालान रेट को लेकर गुस्सा और तेज हो गया। गुरुवार को पटना में चालान काटने पर भड़के लोगों ने पुलिस की टीम पर पथराव शुरू कर दिया। काफी देर तक सड़क पर हंगामे की स्थिति बनी रही। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। कुछ ऐसी अफरा तफरी पेट्रोल पंपों पर दिख रही है। शहर शहर पेट्रोल पंपों के प्रदूषण जांच केंद्रों पर गाड़ियों की कतार लगी। भारी जुर्माने के डर से लोग पीयूसी जांच के लिए घंटों तक इंतजार कर रहे हैं। सुबह कब से आए हुए हैं यहाँ पर प्रदूषण जांच? मैं मैडम सवेरे 7 बजे से आया हूँ जी, जबकि लाइन में लगे हूँ। कल देख के गए थे, कल भी काफ़ी लाइन थी, मैंने कहा चलो आज छुट्टी है तो आप सुबह सुबह काम करवा लेते, जल्दी हो जाएगा। अदरवाइज अब आप देख रहे होंगे, आप टाइम लगभग 10:30 से 11 का टाइम हो रहा है और अभी भी नंबर आने में लगभग लग जाएगा, लगभग घंटा भर के आसपास। इतनी गर्मी के बावजूद भी लोग चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी अपना काम खत्म करें, लेकिन सिस्टम अच्छा ना होने के कारण
हम लोग भुगत रहे हैं, सुबह से भूखे हैं और परेशानी भी झेल रहे हैं, यहाँ तक पानी की सुविधा भी नहीं है। यही हाल देश के तकरीबन सभी बड़े शहरों का है। वाराणसी, पटना और देहरादून की इन तस्वीरों से साफ है, जहाँ प्रदूषण जांच को कभी लोग तवज्जो नहीं देते थे, वहीं अब पीयूसी सर्टिफिकेट हासिल करना लोगों की प्राथमिकता में शामिल हो गया है। दिल्ली सरकार ने तो सरकारी बसों का प्रदूषण जांचने वाले केंद्रों को आम जनता के लिए खोल दिया है, ताकि अचानक उमड़ी भीड़ से निपटा जा सके। उम्मीद जताई जा रही है कि चालान का यही खौफ सड़क के सफर को सुरक्षित बनाएगा।